तो भाइयों मैदान में एक और ट्रैक्टर आ गया 40 50 24, ये सोनालिका के चैलेंजर मॉडल के साथ आया है भाइयों, तो इसे भी देखेंगे चलाकर। यो अब जो है न्यू हॉलैंड के पीछे 3600-2 के पीछे सोनालिका का चैलेंजर रोटावेटर जोड़ा जाएगा। इसमें जो है भाई बता रहे हैं कि 17-18 की गरारी है, इसमें जो है 206 चक्कर के करीब इस ट्रैक्टर के बैठते हैं। तो 40 वाले भाई तो कह रहे हैं कि मेरे ट्रैक्टर के साथ जो है रोटावेटर के चक्कर नहीं मिल पा रहे, इस वजह से जो है नहीं चलाएँगे, सिर्फ न्यू हॉलैंड चला के देखेंगे भाइयों सोनालिका के रोटावेटर पर। तो भाई अब आपको दिखाते हैं कि न्यू हॉलैंड 3600 हेरिटेज एडिशन पर जो है 47 HP के ट्रैक्टर पर अब सोनालिका का जो है चैलेंजर मॉडल 7 फुटा रोटावेटर जोड़ा जाएगा। तो कुछ किसान भाइयों को जो ये लग रहा था कि परम का रोटावेटर जो है लोड कम ले रहा है या उसके चक्कर कम है, तो इस वजह से जो है डेमो के लिए अब सोनालिका का रोटावेटर जोड़ा जाएगा। आप भीड़ देख सकते हैं भाइयों कितनी ज़्यादा है, काफ़ी किसान जो हैं यहाँ पर देखने आए हुए हैं। तो भाइयों रोटावेटर जो है पूरा टाइट करवा दिया किसान भाइयों ने। पहला लाओ पहला। तो भाइयों ये पहले किलो में, पहले जो है भाई से गलती से तीसरे के लो लग गया था, 0 RPM ड्रॉप है बता रहे हैं भाई। तो भाई बता रहे हैं कि 0 RPM ड्रॉप है चल रहा है और आगे मिट्टी भी है, ऐसा नहीं है भाई। कितने RPM ड्रॉप कर रहा? ओनली 50 RPM ड्रॉप है जा, ओनली 50 RPM ड्रॉप है जा भाई। कुल सोनालिका का रोटावेटर जो है भाई वो परम के रोटावेटर से भी आसान चला, और जिसमें कह रहे हैं कि गरारी जो है उससे ज़्यादा बड़ी है, जो चक्कर जो है उससे ज़्यादा है। भाई वो मिट्टी देखो क्या बात है, वाह शेर, चलो चलो भाई पूरा कमाल कर दिया भाइयों, गोल कमा दो। तो भाइयों भाई जो कह रहे हैं उस चीज को हम लाइव भी देखेंगे। चलाई तब्बी भाई। तो भाइयों ये देख लो 2000 RPM पर छोड़ो, और ये देखो भाइयों कुल 50 RPM ड्रॉपेज है और कोई धुआं वगैरह नहीं है, पीछे मिट्टी भी देख लो। तो भाइयों देख लो। तो भाइयों अब जो है किसान खुद ट्राई ले रहे हैं। ट्रैक्टर देख लो भाइयों कितना लाइटली चल रहा है, कोई लोड वगैरह नहीं है। इसी हिसाब से जो है ट्रैक्टर जो ऑयल फ्यूल लेगा वो बहुत कम लेगा, जो चाल है उस चाल के हिसाब से ये 1 घंटे में मेरे हिसाब से जो है 10 बीघे जुताई कर देगा, क्योंकि चाल काफ़ी ज़्यादा है। और अगर फ्यूल की बात करें तो मेरे हिसाब से 5-5.5 लीटर पर जो है ट्रैक्टर एंड कर देगा, 5.5 पे भी शायद ही जाएगा भाई, वो 5 पे ही जो है एंड कर देगा ट्रैक्टर। तो अगर बीघे के औसत के हिसाब से बात करें तो भाइयों 650-700 ग्राम के हिसाब से जो है ये ट्रैक्टर इस कंडीशन में लेगा, अगर इतने लोड पर और इस चाल पर चलता रहा तो। भाई और डीलर साहब से बात करते हैं, तो गुरमीत भाई से बात करते हैं। तो जैसे पहले परम का रोटावेटर चलाया था सोनालिका का चला रहे हो, तो किस पे ज़्यादा अच्छा चला? ट्रैक्टर RPM ड्रॉप है 0 कह सकते हैं, बिकॉज इनलाइन पंप है 50 से 100 RPM अगर तोड़ता है। बैकअप टॉर्क काफ़ी अच्छी दे रहा है, काफ़ी अच्छी दे रहा है ट्रैक्टर, बिल्कुल 50 RPM से ज़्यादा नहीं तोड़ रहा। किसान भाई खुद चला के देख रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम खुद चला रहे हैं, ये रोटावेटर भी किसानों का था, क्योंकि कुछ किसानों ने इशू उठाया था कि भाई ये रूटर तुम्हारे ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग से चक्कर कम है। हमने ओपनली कह दिया था कि भाई जो आपके पास है आप वो ले आओ जी, तो वो अपना रूटर खुद लेके आए हैं, हमने उनके रूटर पे उन्हें संतुष्ट किया है, वो ट्रैक्टर
किसान भाई खुद चला रहे हैं, बाकी रिव्यू आप उनसे ले सकते हो जी। तो भाई डीलर साहब ने फुल बात बता दी अपनी, और टोलिस तो भाई नहीं चला रहे क्यों, कह रहे हैं कि चक्कर नहीं मिल पा रहे। आप देख ही लो कि कितने किसान जो हैं यहाँ पर डेमो देखने के लिए आए हुए हैं, आप देख ही लो पूरी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। भाई 47 HP जितना लाइटली जो है 7 फुटा रूटावेटर चला रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। बिल्कुल भी लोड नहीं आ रहा ट्रैक्टर पे, और अपने डीलर साहब जो हैं किसान भाइयों से बात कर रहे हैं। ओ सो तेरी ताओ जी स्टंट भी दिखा रहे भाइयों, देख लो है जी। पक्का दम है। जैसा रूटावेटर बदला तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। बढ़िया बिल्कुल, तुम्हारा संतुष्ट करके जाना तुम्हें हमने आज। बिल्कुल ताऊ जी से बात करते हैं। तो ताऊ जी, ऐसे रूटावेटर बदला तो कोई फर्क पड़ा ट्रैक्टर पे? नहीं फर्क नहीं, बहुत खुल के चला, उस पे लोड ले रहा था। तो लोड ले रहा था, खुल के चला। अच्छा, हम तो सोच रहे थे वो दबेगा। अच्छा, कैसा चला ट्रैक्टर? नहीं बेहतरीन चला था। तो लोड वगैरह कम हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। तो भाई अब आप देख सकते हैं आपके सामने ही है जो डेमो है कि परम के रूटावेटर पर अभी जो है हल्का लोड रह रहा था, और सोनालिका के रूटावेटर पर वो लोड भी जो है खत्म हो गया। भाई और न्यू होलैंड ने क्या है ओपन कर दिया चैलेंज की, जितने आप बंदे खड़े कर सकते हो ट्रैक्टर रूटावेटर पर कर सकते हो उतने हो जाओ। जो जो है 4 आदमी जो है रूटावेटर पर खड़े होकर, और अब देख लो भाइयों ये क्लच छोड़ दिया पहले की लो में, 4 आदमी खड़े हैं। और भाइयों बिल्कुल माइनर कुछ ट्रैक्टर खाली चल रहा है भाइयों ट्रैक्टर। आप मीटर देख लो भाइयों, यहीं से 0 RPM ड्रॉपेज बता रहे भाई। चलो 0 तो नहीं होगी, और भाई थोड़ा गलती कर रहे हैं भाई। मैडे से जो है भाइयों कोई लोड का पता नहीं चलता, क्योंकि आगे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, निकलती नहीं मिट्टी। 5 आदमी खड़े भाइयों, भाई आप मिट्टी देख लो। अरे वाह, जोतरा था बना के चल रही पूरी। अब मजा बांध दिया भाइयों ट्रैक्टर ने, देखो भाइयों मट्टी खड़ा कर लो, ये नहीं बंद होने का। तो ओपन चैलेंज है भाइयों, किसान भाई जितने खड़ा होना चाहते हैं रूटावेटर पर खड़े हो सकते हैं, अभी तो सिर्फ 4 ही खड़े हैं। तो भाई साहब, भाई ना थप्पी मार दे पूरी सिद्धू मूसेवाले वाली। पाजी तुसी भी हो जाओ, तुसी भी हो जाओ साइड पे, हो जाओ साइड पे। तो भाइयों एक ही जगह पर जो है ट्रैक्टर राउंड ले रहा है, और मिट्टी का जो है कोई जवाब नहीं। और हमारे गुरमीत भाई जो डीलर साहब हैं वो भी जो है रूटावेटर पर खड़े होकर, आप देख सकते हो 5 आदमी खड़े हैं, वो ट्रैक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा भाइयों। तो अंधेरा हो चुका है, इस वजह से जो आपको वीडियो में थोड़ी क्वालिटी की वो जो है आपको एक दिक्कत दिख रही होगी कि इतनी साफ नहीं आ रहा। कोशिश कर रहे हैं भाइयों आपको अच्छा दिखाने की। तो सभी उतर गए भाइयों, किसान भाइयों की जो है तसल्ली हो गई। तो भाइयों आप देख लो इधर भी काफ़ी किसान खड़े हैं। तो भाइयों ये देख लो फार्मर बंदे वाला भाई, भाइयों क्या कर रहे, मैडे पे खड़े हो रहे मैडे पे। तो भाइयों मैडे पे खड़े हो के जोर लगवा रहे।
और लौड़ा जोर है। तो भाई और चैलेंज हो गया पूरा, तो डेमो जो है ख़त्म हो रहा है, आगे भी और वीडियो आपको दिखाती रहेंगे।